पर आने वाले बहुचर्चित सीरियल वागले की दुनिया के कलाकार अपने 300 एपिसोड पूरे होने पर नागपुर आए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो दर्शकों को इतना प्रेम देने के लिए आभार माना, वहीं उन्होंने इन 300 एपिसोड से जुड़ी यादें भी इस दौरान साझा की। घरी गेल्यानंतर तर त्यामुळे मला असं वाटतं की वागले की दुनिया आम्ही जेव्हा सुरू केलं तेव्हा असं कधीच विचार नाही आला की हे आपण ओ टी टीवर करूया, कारण वागळे की दुनिया म्हटल्यानंतर आपल्याला टेलिव्हिजन आठवतं, म्हणजे ये जो जिंदगी असेल किंवा हम लोग असेल किंवा बुनियाद असेल त्या काळातला कुठलाही मालगुडी डेज असेल, तर आपण काय आपण आपले असोसिएशन टेलिव्हिजन बरोबर आहे। तर त्यामुळे वागळे की दुनिया सेकंड सीझन जेव्हा करायचं ठरलं हॅट्स ऑफ प्रोडक्शनचं आणि सोनी सबचं, आणि जेव्हा त्यांनी मला विचारलं तेव्हा मी पहिला पटकन हो म्हणालो, म्हटलं की नाही हे करायलाच पाहिजे। आणि टेलिव्हिजनसाठीही कसं असतं ना, बऱ्याच स्क्रिप्ट्स अशा असतात ज्याच्यामुळे ना ज्या टेलिव्हिजनलासुद्धा फार महत्त्वाचे असतात, कारण हे जरी 32 वर्ष जुनं असलं तरी लोक आतुरतेने वाट बघतात आणि एक वेगळ्या प्रकारचा ऑडियन्स मिळतो तुम्हाला, तर त्यामुळे टेलिव्हिजनसाठी ही संजीवनी होती मला असं वाटतं। तुम्ही आता म्हणालात की 32 वर्षांचा हा जो प्रवास आहे, तर मग 80च्या दशकात पहिला भाग येणार आणि त्याचा दुसरा भाग एकदम 21व्या दशकात येणार, तर या प्रवासामध्ये खूप गोष्टी असतील ना की ज्या तेव्हा खूप वेगळ्या होत्या आणि त्याशिवाय कसं पूर्ण होणार नाही का? प्रेक्षकांचं प्रेम मिळणं फार महत्वाचं आहे आणि ते मिळालं म्हणूनच आज आमचे 300 एपिसोड पूर्ण झाले। एक वर्षभर आम्ही वागळे की दुनिया लोकांसमोर आणू शकलो, तर हे म्हणतात ना की एका हाताने नाही टाळी नेहमी दोन हाताने वाजते, तसं आहे की आम्ही काहीतरी चांगलं देतो म्हणून प्रेक्षक आम्हाला प्रेम देतात। तर त्यामुळे मुझे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी में पूछो। देखिए नए पीढ़ी के नए किस्से ऐसे हैं कि राजेश जब 1988 में जब वागले की दुनिया आया था तब ये बच्चे थे, अब इन्होंने अब इनकी अपनी फैमिली हो गई है, इनके बच्चे हो गए, तो इन चारों के किस्से और जो असली वागले की दुनिया में अंजन जी और भाटी जी के रोल थे वो अब दादा दादी हो गए, तो उनके किस्से हमारी फैमिली के साथ ही जुड़े हुए। तो ऑल्सो हमने कोविड का बहुत इन्वॉल्वमेंट रखा है कि कोविड से दुनिया में जो बदलाव आया है, लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे भी हैं, कुछ लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, तो उन चीज़ों को सपोर्ट करना। अभी हमने एक एपिसोड किया था कि अथर्व राजेश जैसे दिखने वाले लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम शक्ल, तो इन्होंने तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया था कि हम शक्ल क्यों ढूंढना, ऐसा आदमी ढूंढो जो बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में सिमिलर हो। शक्ल सिमिलर होने से क्या होगा, जो आपका मन सिमिलर होने से ज्यादा खूबसूरत क्या चीज हो सकती है। तो जैसे राजेश ने अपनी पेरेंट्स का ध्यान रखा है, वैसे ही हम ऐसी फैमिलीज ढूंढते हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास बुलाया, उनका ध्यान रखा, तो वो नए पीढ़ी के लिए इट्स अ मिक्स बैग। इसमें हम रोते भी उतना ही है क्योंकि आप अगर नॉर्मल फैमिली में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ हंसते हैं या सिर्फ, तो वो हर चीज हर इमोशन हमने छुआ है। बट इट्स लाइक स्वीट डिश, स्लाइस ऑफ लाइफ है कि ये है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं सीन में कुछ कि हम सीरियस सीन में भी हंसने लगते हैं, लेकिन ये फिर नेक्स्ट सेकंड ही कुछ इमोशनल सीन ऐसा कर जाएंगे कि हम सब रोने लगते हैं। तो हमारे पास एक हीरा है तो हम उसका फुल यूज करते हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।